करिएगा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दिस विडे। कैल्क न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सर्किट डायग्राम बेटे आपको जो है ये दिया गया है, कुछ इस तरीके का सर्किट दे रखा है आपको। यू आर प्रोवाइडेड ए बैटरी एंड फर्दर मोर बेटे हियर लाइज ए स्मॉल रेजिस्टर, मे बी इट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी और द सेल। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बेटे अटैच किया गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और अटैच्ड है बेटा, और एक रेजिस्टर आपने यहाँ पे ये बना रखा है, एंड देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस इन दिस वे, और ये एक यहाँ पे और रेजिस्टर है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर हमें ये दिया हुआ है। इनकी वैल्यूज जो है बेटे, लेट मी राइट दीज वैल्यूज एज सच। वैल्यूज में आपका बैटरी 15 वोल्ट का, ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 8 ओम, ये बेटा 6 ओम, ये आपका 10 ओम, और ये बेटे 2 ओम, दिस इज 7 ओम, एंड इट इज अगेन 2 ओम। तो ये न्यूमेरिकल है आपका बेटा, आइए इसको बेटे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको कहा गया है बेटा कि इस सेल से कितना करंट आपका सर्किट ड्रॉ कर रहा है वो निकालिएगा। आइए देखें बेटा, इन द बिगनिंग जब आप इस सर्किट को रियलाइज कर लेते हो, बना लेते हो, आपके ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये वाले, दीज आर इन सीरीज बेटा तीनों, और आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का, आर डैश इसको बोल देता हूं, इट विल बी 7 + 2 + 10, दिस इज बेटे 19 ओम। और ये 19 ओम का रेजिस्टेंस टोटल इनका इफेक्टिव, और 6 ओम का, ये आपस में दोनों पैरेलल में है बेटा, और आपका मैं 1/R" कह देता हूं, इट विल बी 1/6 + 1/19 बेटे। तो ये आपके पास बेटे बन गया जी 6 × 19 19 + 6, एंड R" बन गया जी 6 × 19 / 25, R" बन गया 114/25 बेटा, चेक करिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4.56 ओम बनता है, चेक करिए जरा। यस, हाँ जी भुवनेश, ठीक है। अब आपने इतने हिस्से का रेजिस्टेंस निकाल लिया, इतना पार्ट जो है आपका ये, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, इसका रेजिस्टेंस जो है ये 4.56 ओम के बराबर है। ये 4.56 और ये 2 और ये 8, ये बेटे आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, एंड आर इफेक्टिव आपके पास बन गया 2 + 4.56 + 8, दिस इज 8 + 2 = 10 + 4 = 14.56 ओम का रेजिस्टेंस बनता है। चेक करके देखिएगा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट डियर चिल्ड्रन, एक बार बता दीजिएगा सबको आंसर मैच कर गया कि नहीं पुत्र, फरमान। वेरी नाइस, ओके। अभी आपको करंट निकालना है, इट इज इक्वल टू वोल्टेज इज 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 14.56, सो मेनी एम्पियर्स, और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, चेक करिएगा कितना आता है। अच्छा, ये 0.5 वाला रह गया बेटे, इसको भी देखो, ये इसके साथ ही ऐड करिए ना, फिर प्लस 0.5, दिस इज इक्वल टू 15.56
0.06 ओम, इसको मैं ठीक कर देता हूं, दिस इज 15.06 ओम, इसको भी काउंट करना है, ये भी सीरीज में आ जाएगा साथ में। अब देखिए बेटे कितना आता है, धवनेश, अरमान और बाकी बच्चे भी देखो पुत्र, सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, और शीन, चांद, धवन, धवनेश, दीक्षा, देविता, नैना, मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू बेटा, 0.996 धवनेश, वेरी नाइस, 0.996 एम्पियर्स ये करंट आपका सर्किट से ड्रॉ किया जाएगा, राइट बेटे, राइट अरमान। सो ये न्यूमेरिकल अरमान ने पूछा था, किसी और बच्चे का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं ऐसे ही जैसे आज क्लास में करवाया है कल आपको क्लास में करवा दूंगा बेटे। और आप बस काम करने वाले बनिए, काम की कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी करते चले जाइए न्यूमेरिकल्स, जितने मर्जी करते चले जाइए, देयर इज नो एंड टू दीज प्रॉब्लम्स बेटा, जितना काम करोगे उतना आपका सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड अच्छा होता चला जाएगा बेटा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलें, अपना जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कंटिन्यू करें। हमने एक बच्चा लेंस का कुछ कह रहा था बेटा, फ्रॉम योर साइड आई थिंक धवनेश था बेटे, लेंस का आप क्या चाहते थे पुत्र, मुझे थोड़ा बताइए, लेंस लेंसेज लॉ धवनेश, ओके कोई बात नहीं बेटे, मैं करवा देता हूँ लेंसेज लॉ, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं सजेशन दूंगा कि आज एक बार आप बैठ के पढ़ लीजिएगा, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार्डली इट विल टेक फ्यू मिनट्स, एक बार मेरे कहने पे खुद पढ़िएगा, मैं कल आपको करवाता हूँ, डोंट वरी बेटे, हो जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। आइए बेटे आगे चलें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कर रहे थे हम लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हमने, और फ्यू क्वेश्चंस हमने कंप्लीट भी किए थे, और आई थिंक मैं एक मिनट बेटे लिखता हूं न्यूमेरिकल क्या है हमारा केस स्टडी बेस्ड, फिर हम आगे चलेंगे बेटा, लेट अस प्रोसीड विद दिस डिस्कशन, और मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नहीं बेटा। किसी बच्चे का जैसे नाम इन्होंने लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, ही परचेज्ड 3 रेजिस्टर्स 4 ओम 8 ओम एंड 8 ओम फ्रॉम द शॉप, किसी बच्चे का नाम है, उस बच्चे ने न्यूमेरिकल है बेटा, ये केस स्टडी बेस्ड है, इस पे उसने बच्चे ने 4 रेजिस्टेंसेस परचेज किए हैं, 4 ओम 8 ओम एंड अगेन 8 ओम, ये 3 रेजिस्टेंसेस उसने परचेज किए हैं, 4 नहीं, फ्रॉम द शॉप, लेटर ही परचेज्ड 8 वोल्ट बैटरी, एक उसने 8 वोल्ट की बैटरी भी परचेज की है, एंड 8 वोल्ट बैटरी स्विच एंड 2 एमीटर्स टू कंप्लीट हिज सर्किट एज शोन, 2 एमीटर उसने परचेज किए हैं, एक बैटरी, 3 रेजिस्टेंसेस, और बच्चे ने सर्किट क्या बनाया है, आइए देखें, ये बच्चे ने सर्किट बनाया है बेटा, आपके जैसा बच्चा है 10th क्लास का, अपना फिजिक्स का प्रोजेक्ट बना रहा है वो, जैसे आप बनाते हैं, और ये एक रेजिस्टर उसने लगा दिया, फिर यहाँ पे एमीटर लगा दिया, इस एमीटर का नाम रखा है A1, और इसके बाद बाकी के 2 रेजिस्टर उसने बच्चे ने एक इधर अरेंज किया है, और डियर चिल्ड्रन दूसरे वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस तरफ अरेंज कर दिया गया है इन दिस मैनर बेटा, ये चीज बन गई है, और दूसरा एमीटर उसने बेटा यहाँ पे लगा दिया है, इसको बोल दिया है A2, एमीटर नंबर 2, यहाँ पे की लगा दी, चलो की लग गई है, 8 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका कुछ नाम रख दिया A,
इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, और पॉजिटिव नेगेटिव, और कोई यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब बच्चों देखो कहना क्या चाहते हैं एग्जामिनर आपको। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2-8 ओम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। वेरी फर्स्ट वन इज द फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो आपको दे रखा है इसमें इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 ओम, सेकंड ऑप्शन 4 ओम, थर्ड ऑप्शन 3 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन 5 ओम। सिंपल, यस अरमान करेक्ट। बाकी बच्चे भी देखो ये जो दो 8-8 ओम के रेजिस्टर्स हैं इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेके निकालना है आपको। अर्शीन गुड, वेरी गुड। तो डियर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, जब आप पैरेलल में लगाओगे तो 1/8 + 1/8, दिस इज 2/8, उल्टा कर लीजिए 8/2, इट इज 4। सो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहां पर। इन दिस वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए देखें क्या है इसमें। आपको कहा गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सेकंड पार्ट है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऑप्शंस में आपके पास है 1.2 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 1 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है 2 एम्पियर। धवनेश इट इज सी, 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक लग रहा है मुझे। यस अर्शीन राइट। जब आप बात करते हो बेटे टोटल करंट, राइट बेटे राइट, टोटल करंट इन द सर्किट की जब आप बात करोगे, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 आ गया था, वो वाला 4 और ये वाला 4 दोनों आपस में सीरीज में हैं, नेट रेजिस्टेंस आपका बन गया 8 ओम बेटा। आर इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू 8 ओम, I is equal to V upon R, V भी 8 volt है, ये भी 8 है, तो 1 ampere current आपको मिल जाएगा, C is the correct option, right जी बेटे। Third part, find the potential difference across 4 ohm resistance, find the potential difference across 4 ohm resistor। ऑप्शंस दिए चिल्ड्रन आपके पास हैं, पहला है 2 वोल्ट, सेकंड इज 3 वोल्ट, थर्ड इज 4 वोल्ट, फोर्थ इज 5 वोल्ट। बेटा चेक करिए बेटा हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी, ऑल ऑफ यू बेटा अंकिता आदित्या अरमान अर्शीन चांद धवनेश दीक्षा दीविका इमानी गरिमा हर्षदीप सिंह बेदी, सारे बच्चे करके देखो बेटे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। अरमान 4, ठीक लग रहा है मुझे तो, बाकी बच्चे भी चेक करके देखो 4 ही आ रहा है कि कुछ और है। अर्शीन 4 वोल्ट राइट, बाकी बच्चे भी देखो पुत्र करके 4 वोल्ट ही आ रहा है। इमानी गरिमा
बच्चों ध्यान। ओके बेटे, ओके मनी, वेरी नाइस बेटा। बेटे देखिए, यहां से आपका 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने निकाल लिया। और आप जानते हैं कि जो वी है, दिस इज आई इन टू आर के बराबर हुआ करता है, इसके क्रॉस, इनके क्रॉस भी कलेक्टिवली उतना ही होगा। तो वी इज इक्वल टू आई आपका 1 है, आर आपका 4 है, 1 इंटू 4 इट इज 4 वोल्ट बेटा। सो इन दिस मैनर आप इसको बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर 4 वोल्ट का यहाँ पे डियर चिल्ड्रन बन जाए। राइट जी बेटे, आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेजिस्टर। फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेजिस्टर। ऑप्शंस आपको बच्चों जो दी हुई हैं, इट इज 2 वॉट, देन 3 वॉट, देन 4 वॉट, एंड देन इट इज 5 वॉट। चेक करिएगा व्हाट इट इज देयर टर्निंग आउट टू बी बेटा, 4 वॉट। अरमान 4 वॉट ठीक लग रहा है मुझे, बाकी बच्चे भी चेक करिए बेटा, इज इट देयर और नॉट ऑल ऑफ यू बेटा। भवनेश, नैना, बहुत बढ़िया, 4 वॉट। आइए देखें कैसे बना। हाँ जी भवनेश, ठीक है बेटे, लेट मी सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो बेटे। ये आपका 8 वोल्ट का बैटरी था। बेटे पावर आप जानते हैं वी इंटू आई होता है, वी आपका 4, ये देखिए वोल्ट निकाला हुआ है, आई आपका 1 एम्पियर, तो ये 4 वॉट आपके पास से पावर डिसिपेटेड जो है निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 5, केस स्टडी इसी पे बेस्ड, फाइंड द डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग्स। फाइंड द डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग्स। दोनों एमीटर्स आपके लगे हुए हैं, इनकी रीडिंग्स में फर्क कितना होगा? पहला है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, डी नो डिफरेंस। चेक करके बताइए बेटे व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी ऑल ऑफ यू बेटा। यस योर चिल्ड्रन, चेक इट आउट, कितना दोनों एमीटर्स की रीडिंग्स में फर्क आएगा? अगर आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो नो लिख देंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। बच्चों चेक करिए दोनों एमीटर्स की रीडिंग्स में फर्क। अरमान गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करिए, नैना नो डिफरेंस, नाइस, ठीक लग रहा है मुझे आंसर बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करिए, इमानी नो डिफरेंस। बाकी बच्चे भी करके देखो पुत्र कि ये बच्चों ने ठीक निकाला है। आई विल आल्सो बी सॉल्विंग। धवनेश ठीक है बेटे, ठीक है, चलिए आपको मैं भी एक बार सॉल्व करके दिखा दूं बेटा कि नो डिफरेंस बना कैसे। सो जब आप एमीटर नंबर 1 की बात करते हो बेटा, इस एमीटर से ये 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर A1 आपका 1 एम्पीयर करंट रीड कर रहा है। आगे जाकर ये 1 एम्पीयर का करंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, दोनों ब्रांचेस फिर आगे जाके मिल गई, फिर ये 1 एम्पीयर का करंट एमीटर नंबर 2 में से फ्लो हो रहा है। तो डियर चिल्ड्रन, इनका अगर आप डिफरेंस ले लोगे तो दैट विल बी 0, नो डिफरेंस विल बी देयर। राइट बेटा, सो डी ऑप्शन आपका ठीक है, आपने सारे स्टूडेंट्स ने करेक्टली निकाल दिया है। सो ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू ऑल, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू वर्किंग हार्ड सो दैट हम बेटे बड़े अच्छे मार्क्स अपने
कमिंग एग्जाम्स में ले जाएं और अच्छा परफॉर्म कर दें। आइए बच्चों आगे चले, एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है कि स्टडी का लिख रहा हूं बेटे मैं, ध्यान दीजिएगा। आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, हाँ बैटरी कुछ बच्चे ने लिखा था डेड होने का, कुछ बैटरी डेड हो जाएगी तो बेटे दोनों का करंट जीरो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, ही परचेज्ड 3 रेजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम 30 ओम, 5 ओम 10 ओम 30 ओम फ्रॉम द शॉप। लेटर ही परचेज्ड ए 6 वोल्ट बैटरी स्विच एंड एन एमीटर टू कंप्लीट हिज सर्किट एज शोन, फिर उस बच्चे ने 6 वोल्ट की बैटरी एंड एमीटर वगैरह परचेज किया और सर्किट उस बच्चे ने क्या बनाया है, आइए देखें। एक रेजिस्टर यहां लगाया उसने, एक रेजिस्टर इधर लगा दिया, एक रेजिस्टर ठीक इसके नीचे लगा दिया ऐसे करके, और ये सारा सेटअप एक बैटरी से कनेक्ट किया, जो बैटरी उसने 6 वोल्ट की परचेज कर रखी है। फिर की लगाई गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे एमीटर लगा दिया गया ऐसे करके, और रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपका 5 ओम का सबसे टॉप पर, और ये 10 ओम और ये 30 ओम का रेजिस्टर, ये चीज आपको दे रखी है। कहा क्या गया है, पहला पार्ट है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है बेटा, पहला पार्ट है फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शंस में डियर चिल्ड्रन आपको दिया गया है, इट इज one point two ampere, one point five ampere, one ampere and two ampere, 1.2 ampere नैना, गुड ठीक लग रहा है मुझे बेटा, 1.2 करेक्ट, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है बच्चों, लेट मी सॉल्व दिस आल्सो, ठीक है बेटे निश्चित ठीक है बेटा, आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका मतलब है तीनों के अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा रखा है, और आप जानते हैं V आपका I into R के बराबर होता है, अगर आप इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो 5 ओम वाले की, I will be equal to V upon this R only, it will be 6 upon 5, 1.2 ampere, so this is the correct option. Am I clear to all, dear children? Aditya, Ankita, Arman, Arshin, sabka naam nahi le pa raha hu bete main. All of you, dear children, right? Dusra part, bacho. Question ka hai. Find the current through the 10 ohm resistance. Find current through 10 ohm resistance. Options आपके पास हैं, पहला है 0.6 ampere, दूसरा है 0.2 ampere, तीसरा है 1 ampere, चौथा ऑप्शन है 0.5 ampere. Check all of you beta. 0.6 सारे बच्चों ने फटाफट निकाल दिया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिस शोज द हार्ड वर्क यू आर डूइंग एट होम, लेट मी सॉल्व दिस आल्सो बेटा, सेम फार्मूला, आपका आई जो है बी अपॉन आर, बी 6 वोल्ट है आपका, आर अब आप 10 ओम का ले रहे हो, इट इज 0.6 एम्पियर्स, तो हमारा आंसर ये आंसर आ जाएगा हमारा, राइट बेटे।
तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, आपको बच्चों कहा गया है, अब 30 ओम के थ्रू कह दिया उन्होंने, फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शंस मुझे लिखने दीजिए एक मिनट के लिए बेटा, राइट 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 बेटे। पहला है बेटा ऑप्शन 0.6 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.2 एम्पियर, तीसरा है 1 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है अगेन 0.5 एम्पियर। आपने निकाल दिया है 0.2 एम्पियर सारे बच्चों ने, गुड, ऑल एप्रिशिएशन फॉर यू ऑल अगेन। सो दिस इज बेटे 0.2 एम्पियर, सेम फार्मूला जो आपने अभी अभी लगाया था। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, लेट मी मेक स्पेस एट दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर विद दैट आल्सो। फोर्थ है फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। बच्चों आपको ऑप्शंस दे रखी हैं 1.2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। चेक करिएगा बट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटे, सारे स्टूडेंट्स बेटे चेक करिएगा, टू एम्पियर अरमान ने निकाला है, बाकी बच्चे वेरीफाई करिए कि ये करेक्ट है कि नहीं बेटा। सारे बच्चे एक बार बेटे चेक करिएगा, इज इट करेक्ट और नॉट, ऑल ऑफ यू बेटा। अंकिता, दिविता, नैना, ठीक है नैना बेटे, ठीक है, राइट 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 बेटा। बाकी बच्चे भी देखो बेटे कैलकुलेट करके फटाफट, सारे बच्चे करी काम किया करो पुत्र, डोंट बी पैसिव लिसनर्स। अर्पित, पुष्कर, जानवी, हाँ जी ठीक है, अर्शीन, आर्यंश, करण ज्योत, सक्षम, सकेत, गुरसेवक, गुरकीरत, दीक्षा, तरुणदीप, तनुष्का, सिमरलीन, सहजप्रीत, सहर्ष, रवनीत, राहुल, राहुल वर्मा, प्रभनूर सिंह, प्रभगुन कौर, पार्थ आनंद, मिष्टी, माधव, सबका नाम नहीं मैं ले पा रहा हूं बेटा। सो फोर्थ पार्ट में बेटे देखिएगा, लेट मी, हाँ जी बेटे ठीक है इमानी बेटे, वैसे तो चलो आप कैलकुलेट कर लोगे सारा कुछ करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है कि पूरे सर्किट में बेटे आप तीनों करंट्स को ऐड कर दीजिए जो आपने निकाले। ये करंट जो है ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था ना, तो तीनों को आप ऐड कर दो। पहले केस में आपका था आई थिंक 1.2 एम्पियर, दूसरे केस में था 0.6 एम्पियर, तीसरे केस में था आपका 0.2 एम्पियर, तो सीधा ये 2 एम्पियर आ जाता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते आप क्या करिए, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसकी वोल्टेज को इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, यू कैन क्रॉस चेक योर रिजल्ट आल्सो। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट अस कंसंट्रेट, इसमें क्या आपको दिया गया है, लेट मी मेक स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट, then we will be tackling this as such. आइए देखिए क्वेश्चन है बेटा, find the total resistance of the circuit, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, find the total resistance of the circuit. 3 ओम अरमान ने निकाला है, ऑप्शंस मुझे लिखने दीजिए, 2 ओम, 4 ओम,
थ्री ओम, फाइव ओम, चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, बट इट इज टर्निंग आउट टू भी तीन ही आ रहा है सबका कि कुछ और आ रहा है। हाँ जी पुत्र जी, यस यस यस, ठीक है बेटे, सारे बच्चों बच्चे कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। बाकी बच्चे भी करके देखो बेटे, सॉल्व करके देखो, यू आर ऑल गेटिंग थ्री ओम और नॉट, एंड लेट मी सॉल्व दिस आल्सो बेटा। तीनों पैरेलल में है पुत्र, सो वन बाई आर डैश आ जाएगा, वन बाई फाइव प्लस वन बाई टेन प्लस वन बाई थर्टी, एंड इट विल बी बेटे 30 ओम आपका, 5, 6, 10, 3, 30 ones, 6 plus 3, 9 plus 1, 10, and 1 by R dash, this is 10 by 30, उल्टा कर दीजिए, R dash is 3 ohms, so in this way आप इसको workout कर सकते हो। So dear children, सारे students को clear हो गया बच्चों, किसी बच्चे को कोई बात नहीं पता चली, anything you can tell? ओके बेटे, वेरी नाइस। सो बेटे मेरी तरफ से आज इतना ही है, बाकी फिर कल करेंगे बेटा। किसी भी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू बेटे, डियर चिल्ड्रन, सबको सारा क्लियर है बेटे? ओके बेटे, थैंक यू, देन आई एम लीविंग नाउ, कल आगे करेंगे, थैंक यू ऑल बेटे।